तो भाई जैसा कि कहा था, बिग नेम्स आपको दिलीप ट्रॉफी में दिखेंगे और वो होता हुआ, बट विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम इसमें नहीं है, बिकॉज वो बिग प्लेयर है ही नहीं ना। मुझे ऐसा लगता है वो बड़े प्लेयर है ही नहीं, बिकॉज अरे वो तो लेजेंड है यार। तो चलो फिर, बीसीसीआई ने 4 टीम्स अपलोड की है, सारे प्लेयर्स डिवाइडेड है अलग अलग टीम में, सब टीम को देखते हैं और देखते हैं कौन सी टीम सबसे स्ट्रांग है। तो चलो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टीम ए को, जिनके कप्तान है नन अदर देन हमारे इंडियन टीम के वाइस कैप्टन शुभमन गिल। उनके साथ होने वाले मयंक अग्रवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, अ बिग नेम केएल राहुल, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, आकाश दीप, प्रसिद्ध कृष्णा, खलील अहमद और आवेश खान। और 4 इसमें अननोन प्लेयर है, जिसको ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं, तो क्या ही बात करना। इसमें मुझे एक डाउट है, अगर केएल राहुल टीम में है तो क्या वो कैप्टन नहीं हो सकता था? बीसीसीआई का अलग सोचे भाई, उन्होंने शुभमन गिल को दिया है कैप्टेंसी। तो अगर हम टीम ए की बात करें तो इसमें आपको बैटिंग बहुत स्ट्रांग देखने को मिलेगा, फास्ट बॉलिंग आपको थोड़ी सी वीक जरूर दिखेगी। आवेश खान है, आकाश दीप है, प्रसिद्ध कृष्णा है, खलील अहमद है इनके पास। बाकी भाई मुझे पता नहीं है विद्वत कवेरप्पा क्या है, तो आई एम गेसिंग कि वो शायद स्पिनर होगा। एक फास्ट बॉलिंग में भी आपको थोड़ा सा वीक है, बट स्पिनिंग इनके पास अच्छी है। अब बात करते हैं टीम बी की, तो टीम बी के कप्तान है अभिमन्यु ईश्वरन, जिसको आपने सुना होगा इनको चांस दो चांस दो चांस दो चांस नहीं मिलता है, वो कप्तान होने वाले हैं। उनके साथ है यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान, ऋषभ पंत द मेन विकेट कीपर ऑफ इंडियन टीम, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जाडेजा, मोहम्मद सिराज, यश दयाल, मुकेश कुमार, राहुल चहर, एन जगदीशन और साई किशोर, जो कि स्पिनर है भाई। ओवरऑल ये भी टीम आपको अच्छी देखेगी, इसमें भी आप कुछ ऐसे नाम देखोगे जिसको आप नहीं जानते हो। तो टीम बी में आपको कीपर्स अच्छे देखने को मिलेंगे, ऋषभ पंत, सरफराज खान, जगदीशन, अच्छा कीपिंग है इनके पास। किसको खिलाएंगे वो वही जाने यार, बट कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन है तो वो कंफर्म ओपनिंग करने वाले टीम के लिए। तो आई एम गेसिंग दैट वो और यशस्वी जायसवाल होंगे हमारे ओपनर्स। इनका भी आप कह सकते हो फास्ट बॉलिंग वीक है, आपको मोहम्मद सिराज दिखेंगे, यश दयाल, मुकेश कुमार और मे बी मोहित अवस्थी, आई एम गेसिंग वो फास्ट बॉलर हो, मुझे नहीं पता भाई। तो फास्ट बॉलिंग यहां भी आपको वीक दिख रहा है। अब बात करते हैं टीम सी की, टीम सी में आपको देखने को मिलेंगे कप्तान के रूप में, जिसको सब जस्टिस दिलाते हैं भाई, नो इट्स नॉट संजू सैमसन, इट्स ऋतुराज गायकवाड। उनके साथ है साई सुदर्शन, रजत पाटीदार, अभिषेक कोरल एज विकेट कीपर, सूर्य कुमार यादव, बी इंद्रजीत, ऋतिक शौकीन, मानव सुथर, उमरान मलिक, वैशव विजय कुमार, हिमांशु चौहान, मयंक मार्कंडे और संदीप वारियर। इसमें ज्यादातर वो नाम है जिससे हम फेमिलियर नहीं है, इंटरनेशनल प्लेयर्स थोड़े से कम है, बट ओवरऑल टीम आपको स्ट्रांग दिखी गई ये भी। अब अगर पॉइंट्स के हिसाब से देखें तो इनका बैटिंग ऑर्डर मुझे अच्छा दिख रहा है, बट बॉलिंग थोड़ा सा वीक दिख रहा है। और ये मैं नोटिस कर रहा हूँ तीनों टीम की, आप फास्ट बॉलिंग देखो वीक दिख रहा है यार, फास्ट बॉलिंग में वो जान नहीं दिख रहा है जिसको आप कहोगे ये तो सिंगल हैंडेडली जिता के देगा मैच, वैसा कोई दिख नहीं रहा है अब तक हमें। अब बात करते हैं टीम डी के बारे में, टीम डी के कप्तान होने वाले श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर जिसको लेके बवाल हो रहा था कि ये रणजी ट्रॉफी क्यों नहीं खेलता है, पिछले साल खेले भी थे आखिर में जाके, और यहाँ भी कप्तान है टीम के। उनके साथ होने वाले अथर्व टाइडे जो पंजाब किंग्स में थे, यश दुबे आई डोंट नो कौन है भाई, देवदत्त पाडिकल, ईशान किशन इज बैक। बहुत बवाल मचा है पिछले टाइम्स में कि ईशान किशन को बिल्कुल गायब ही कर दिया गया कि वो डोमेस्टिक नहीं खेलता है इसलिए, बाकी क्या रीजन था वो हमें अब तक डायरेक्ट खुलासा नहीं हुआ है, बट आखिरकार ईशान किशन का वापसी हुआ है डोमेस्टिक लीग में। उनके साथ आपको देखने को मिलेंगे रिकी भू जो दिल्ली की टीम में थे, आगे फिर मेंबर। उसके बाद अक्षर पटेल है, अर्शदीप सिंह है, आदित्य ठाकरे, हर्षित राणा, तुषार देशपांडे, आकाश सेन गुप्ता, केएस भरत और सौरभ कुमार। अगर आप बैटिंग इनका देखोगे तो बैटिंग में आपको श्रेयस अय्यर, ईशान किशन और अक्षर पटेल, ये 3 बल्लेबाज ऐसे दिखेंगे जो सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं। बाकी भाई आई डोंट नो कौन कैसा खेलेगा, तो गैस क्या ही करना भाई, किसी को क्या ही बुरा बोलना। और अगर आप बॉलिंग देखोगे तो फास्ट बॉलिंग यहाँ भी आपको वीक ही दिखेगा, अर्शदीप सिंह एक अच्छे फास्ट बॉलर है, हर्षित राणा इज गुड बट ओवरऑल है नहीं उतना, और स्पिन क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे।
अक्षर पटेल एक आपको प्रीमियर ऑलराउंडर दिखेंगे इंडियन टीम वाले, बाकी आपको कोई नहीं दिख रहा है। तो ओवरऑल हमने जो चार टीमें देखी है इसमें एक कॉमन पॉइंट है, बैटिंग सबका स्ट्रांग है, बॉलिंग सबका वीक दिख रहा है। बट क्योंकि डोमेस्टिक में पिचेस जहां तक मैंने सुना है बहुत उबड़ खाबड़ होता है, स्पिन फ्रेंडली बहुत होता है, तो मे बी स्पिनर्स आके बिल्कुल वो तबाह कर दे बैटिंग ऑर्डर। अब आई एम सरप्राइज कि कुछ नाम इसमें नहीं है, लाइक उमेश यादव, ईशांत शर्मा, ये दोनों का नाम क्यों नहीं है? क्या यूसी चहल जब इंग्लैंड गए काउंटी क्रिकेट खेलने वो नहीं खेल सकते थे? ये मेरा डाउट है भाई। ठीक है आपको T20 में चांस नहीं मिला, बट डोमेस्टिक आप खेल सकते हो यार, आप काउंटी क्रिकेट खेल लो, सच आप यही खेल लो जाके। उसके साथ साथ रविचंद्रन अश्विन, उनका भी नाम आपको नहीं दिख रहा है। आई नो दे आर बिग प्लेयर्स, बट भाई खेलना तो है ना, यहाँ भी बहुत बड़े बड़े नाम है। और इस बार दिलीप ट्रॉफी का व्यूअरशिप भी अच्छा खासा आने वाला है, अगर हर बार इतना होता था तो इस बार तो भाई बिल्कुल छप्पड़ फाड़ मिलने वाला है, बिकॉज इंटरनेशनल प्लेयर्स आर देयर। और अगर ऐसे ही हुआ तो दिलीप ट्रॉफी और भी जितने डोमेस्टिक क्रिकेट है वो भी एक अच्छे स्थान पे पहुंचेंगे और उनको भी मदद मिलेगा ग्रो करने पे। हमारे पास और अच्छे प्लेयर्स डेवलप हो सकते हैं बिकॉज वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलेंगे, उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं मुझे क्या लगता है सबसे स्ट्रांग टीम है कौन सा। तो इट्स सिंपल फॉर मी भाई, मुझे ऐसा लगता है टीम ए इज द स्ट्रांगेस्ट टीम, जिसके कप्तान होने वाला है शुभमन गिल। बिकॉज अगर आप उसके बैटिंग देखोगे, बॉलिंग देखोगे, मुझे सब स्ट्रांग लग रहा है। और सेकंड में मुझे लग रहा है भाई टीम बी इज द सेकंड स्ट्रांगेस्ट टीम। आपको क्या लगता है कमेंट से बताना, और क्या आप इस बार दिलीप ट्रॉफी देखने वाले हो ये भी बताओ। लिटिल बिट अनसेट कि विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है, होते तो भाई उनका भी स्पिन का प्रैक्टिस हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग स्पिन के सामने वीक है, बट थोड़ी मोड़ी परेशानी तो होती है ना। तो आप खेलते हो डोमेस्टिक में, स्पिन फ्रेंडली विकेट होता है, आपको प्रैक्टिस हो जाता है बहुत अच्छा खासा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।